हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। एंड तुम लोग देख सकते हो कि भाई मैंने सोचा कि क्यों ना एक्ट 9.1 आने से पहले उसकी एबिलिटीज वगैरह देख लेते हैं कि 9.1 मतलब ओरोची जो हमारी X23 बॉस है एक्ट 9.1 की, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसका गेम प्ले देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एंड भाई 4000 सब्सक्राइबर्स करवा दो, खाली 200 सब्सक्राइबर्स दूर है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करवा दो। एंड 4000 सब्सक्राइबर्स मैं कर रहा हूँ गिव अवे, तो वो होने वाला है एक प्लैटिनम ट्रैक जो कि समझ में आ गया होगा क्या समझा रहा था। 4000 एंड आज की वीडियो को लाइक में 100 लाइक का तो मुझे मालूम है तुम लोग करवा दोगे। तो तुम लोग क्या बात देख सकते हो कि भाई जो इसकी एबिलिटीज है और अच्छी तरह वेपन है, मतलब ये एक स्टन ब्लीड और हील ब्लॉक पैट्रीफाई और स्पेक्टर से इम्यून होने वाली है, ठीक है। मतलब इसको पेरी नहीं कर सकते या फिर ब्लीड नहीं दे सकते, हील ब्लॉक नहीं दे सकते, पैट्रीफाई और स्पेक्टर ये सब कुछ से ये इम्यून होने वाली है। एंड इसका जो 100% चांस है वो परफेक्ट ब्लॉक करेगी एंड इसको इवेड नहीं कर सकते, कैनॉट बी इवेडेड। और मान के चलो कि जैसे ही तुम्हारी हेल्थ मतलब अटैकर की हेल्थ 18% से कम हो जाएगी तो ओरोची इन्फ्लिक्ट कर देगी एक मार्क्ड पैसिव को। तो देखते हैं ये मार्क्ड पैसिव क्या करता है, आगे पढ़ते हैं, हो सकता है हमें देखने के लिए मिल जाए। एंड अल्टीमेट एक्स जेन हीलिंग, तो जो अपनी X23 है वो इंस्टेंटली हील करेगी अपने आप को जितना भी हम उसको मारेंगे, मान के चलो ऑफ ऑल इनकमिंग डैमेज। तो बहुत ज्यादा मतलब रिजेनरेट करने वाली है अपने आप को। और इसकी रिड्यूस कैसे होगी, हीलिंग, ठीक है, जितने भी हम बफ देंगे उसको ईच नॉन इंस्टेंट डैमेजिंग इफेक्ट, तो उसकी जो रिड्यूस हो जाएगी रिजेनरेशन। तो लेट्स सी, देखते हैं नीचे के और क्या है इसके ऊपर और इन्फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिल जाएगी अभी। तो इसको तुम कैसे भी हील रिवर्स या हील ब्लॉक नहीं कर सकते या फिर किसी भी तरीके के हील मतलब हीलिंग को रोकने वाले डीबफ नहीं यूज कर सकते, इसको कुछ भी नहीं होने वाला है। आई गेस अभी मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पे, नॉन डैमेजिंग इफेक्ट मतलब नॉन डैमेजिंग इफेक्ट जो यहाँ पे लिख के आ रहा है नॉन इंस्टेंट डैमेजिंग इफेक्ट, तो ठीक है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि नॉन इंस्टेंट डैमेजिंग इफेक्ट, तो मतलब कोई भी ऐसे इंस्टेंट डैमेजिंग इफेक्ट वाले को मत यूज करना। तुम लोग देख सकते हो कि जितने भी उसके ऊपर नॉन इंस्टेंट डैमेजिंग इफेक्ट्स हैं ऑन ओरोची हैव देयर पोटेंशियल रिड्यूस्ड बाय 50%। तो मान के चलो कि जो तुम लोग अगर शुरू या फिर कोई भी ऐसे चैंपियन को यूज करोगे जो बहुत ज्यादा डीबफ देता हो लाइक शॉक हो गया, इंजनरेट हो गया, तो तुम लोग उसको देख सकते हो कि उसकी जो मतलब डैमेज है उसको कम कर देगी बाय 50%, लेकिन उसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा कर देगी, मतलब द ड्यूरेशन इज इंक्रीज बाय 100%। और जब भी ओरोची मतलब इंटरसेप्ट करोगे उसको तो उसके ऊपर एक पॉइजन पैसिव आ जाएगा या फिर उसको स्ट्राइकर से मारोगे, मतलब अगर अपना रेलिक यूज करोगे तो उसके ऊपर एक पॉइजन पैसिव आ जाएगा या फिर उसको इंटरसेप्ट करोगे तो भी उसके ऊपर एक पॉइजन पैसिव आ जाएगा। एंड अब बात कर लेते हैं वॉयलेंट पर्च की, तो तुम लोग देख सकते हो कि जब भी तुम इसको यहाँ पे 10 डैमेज दोगे मतलब 10 बफ दोगे या उससे ज्यादा बफ दोगे तो ये एक वॉयलेंट पर्ज चार्ज को एक्टिव कर लेगी जो कि 10 सेकंड के लिए होगा। एंड ये पॉज रहेगा ड्यूरिंग हर अटैक्स, मतलब मान के चलो कि जब भी वो तुमको मारेगी तो वो पॉज रहेगा, लेकिन जब तुम उसको मारोगे तब ये पॉज नहीं रहने वाला है। वॉल वॉयलेंट पर्च चार्ज इज एक्टिव, नॉन इंस्टेंट डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑन ओरोची आर पॉज बट दे आर नो लॉन्गर रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ हीलिंग। तो वॉयलेंट पर्च चार्ज जब एक्टिव होगा इसके ऊपर तब जो तुम्हारे नॉन इंस्टेंट डैमेजिंग इफेक्ट्स होंगे वो सारे पॉज्ड हो जाएंगे, लेकिन उसकी हीलिंग को नहीं रोक पाएंगे इन लोग। तो वॉयलेंट पर्च चार्ज जब हटेगा मतलब एक्सपायर होगा तब ओरोची के ऊपर जितने भी डैमेजिंग इफेक्ट्स रहेंगे वो सारे कंज्यूम हो जाएंगे एंड हमें मतलब अटैकर को डीजनरेशन पैसिव देखने के लिए मिलेगी 6 सेकंड के लिए। अभी ये नंबर जो है वो एक्यूरेट नहीं है, 1933 वाला ये एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वॉयलेंट पर्च बैक फायर की, तो ठीक है तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि वॉयलेंट पर्च जब एक्टिव होगा तो अगर तुमने इसके हैवी को इंटरप्ट किया, मतलब मान के चलो जब वो हैवी अटैक दे रही है एंड उस बीच में तुमने जाके अपना स्पेशल अटैक दे दिए तो इसके ऊपर एक बैक फायर आ जाएगा जो तुम्हारे पूरे स्पेशल अटैक तक चलेगा। एंड तो जब ये बफ आ जाएगा ना बैक फायर नाम का, तो ओरोची हील नहीं कर पाएगी एंड जो सारे डैमेजिंग इफेक्ट्स रहेंगे उसके ऊपर वो सब हट जाएंगे। एंड जब तक तुम्हारा स्पेशल अटैक चल रहा है तब तक कोई भी डैमेजिंग इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आएगा, स्पेशल अटैक से ही इसको मारना पड़ेगा बैक फायर में। मतलब इसके वॉलेट पर चार्ज पे लेके जाओ पहले एंड उसके बाद इसके हैवी को इंटरप्ट करो, उसके बाद यहाँ पे जब वो हैवी देने जाए तो उसको स्पेशल अटैक दो तो वो रीजनरेट नहीं करेगी, ठीक है। ये चीज तो हमें समझ में आ चुकी है। पर ईच इफेक्ट रिमूव्ड और प्रिवेंटेड, तो मान के चलो जब भी तुमने अपने स्पेशल अटैक दिए हो तो लास्ट हिट जो होगी तुम्हारे स्पेशल अटैक की वो 40% ज्यादा डैमेज देगी। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ऑफ द अटैकर रेटिंग एज द बर्स्ट ऑफ डायरेक्ट डैमेज टू ओरोची। तो देखो यहाँ पे फॉर ईच इफेक्ट रिमूव्ड और प्रिवेंटेड द फाइनल हिट ऑफ द स्पेशल अटैक डील 40% ऑफ द अटैकर्स अटैक रेटिंग एज अ बर्स्ट डैमेज ऑफ डैमेज टू ओरोची। तो मान के चलो तुमने उसके 10 डैमेज देके रखे हो, ठीक है, 10 डीबफ देके रखे हो ओरोची को। यहाँ पे तुम लोगों को मैंने देखो बताया था कि ऑल इंस्टेंट डैमेजिंग इफेक्ट ऑन हर आर रिमूव्ड एंड न्यू वन कैन नॉट बी इन्फेक्टेड। तो जो ये सब डैमेज रिमूव्ड होंगे ना तो तुम्हारा लास्ट हिट जो होगा स्पेशल अटैक का उसमें 40% का डायरेक्ट डैमेज पड़ेगा ओरोची को, तो ठीक है आई गेस ये अच्छा होने वाला है। एंड बैक फायर रोड में ही हमें इसको मारना भी पड़ेगा, मतलब वॉलेंट पर चार्ज को पहले गेन करो उसके बाद उसका हेवी खाने की ट्राई करो,
जब वो हैवी दे तो उसको इंटरप्ट करो अपने स्पेशल अटैक के साथ, तब तुम जाके उसको इजिली मतलब हेल्थ उसकी कम कर पाओगे। एंड अभी बात कर लेते हैं यहाँ पे उसके ऑल अटैक्स की, तो उसके सारे अटैक्स तुम्हें ब्लीड एंड पॉइजन देंगे एंड तुमको ये ब्लॉक में भी देंगे। मान के चलो कि तुमने ब्लॉक हिट खाए हो तो तुमको ब्लॉक में भी ब्लीड और पॉइजन पड़ेगी जब तक तुम उसको मतलब वेल टाइम ब्लॉक नहीं करते। मान के चलो तुमको पैरी करना पड़ेगा हर ब्लॉक को एंड ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा आर्मर अप वाले चैंपियन लेके जाओ, क्योंकि भाई तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जब भी तुम उसको ब्लॉक में हिट खाओगे तो तुम्हारी आर्मर रेटिंग -25% होगी। तो ठीक है, अब फेजेस की बात कर ले तो भाई तुम्हें यहाँ पे इसको नॉकआउट करना पड़ेगा, मतलब इसको तुम्हें यहाँ पे मारना पड़ेगा, लेकिन जो इसकी म्यूटेंट हीलिंग फैक्टर है वो सारे इफेक्ट्स को हटा देगी एंड भाई ये रीजनरेट कर लेगी अपने आप को फुल हेल्थ पे। लाइक कैंग में तुम लोगों ने देखे होंगे जहाँ पे जो एक्ट 7 का फाइनल बॉस था कैंग, एक्ट 8 का फाइनल बॉस था जो ग्लाइकन, उसके अंदर यही सब नोड्स हैं कि मान के चलो हमने उसको पूरा फेज में मार दिए एंड उसके बाद वो फुल रीजनरेट करेगी अपने आप को। तो तुम लोग देख सकते हो कि जितने भी उसके ऊपर एक्टिव इफेक्ट्स होंगे वो अपने आप को रीजनरेट कर लेगी एंड जब तुम इसको एक बार नॉकआउट करोगे उसके बाद भाई ये अपने आप को फेज कंप्लीट करके फेज 1 में लेके जाएगी, फेज 2 में लेके जाएगी, ऐसे चलता रहेगा एंड ऐसे तुम्हें उसको 6 बार नॉकआउट करना पड़ेगा। तो भाई ये फाइट बहुत लंबी होने वाली है आई गेस, अगर इसकी हिट पॉइंट बहुत ज्यादा हुई तो। तुम लोग देख सकते हो कि फेज 1 है, फेज 2 है, फेज 3 है, फेज 4 है, फेज 5 है एंड लास्ट है हमारा फेज 6। तो ये 6 फेज होने वाले एंड तुमको उसको 6 बार नॉकआउट करना पड़ेगा। हर बार जब इसका फेज कंप्लीट होगा, जैसे कि फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 6, तो टोटल 6 फेज होने वाले हैं। तो ठीक है, जब भी तुम फेज 1, फेज 2 ये सब कंप्लीट करोगे तो जो इसका डैमेज है वो 5% कम हो जाएगा एंड इसके जो स्पेशल अटैक्स है वो 5% कम पावर लेंगे। मान के चलो कि अगर SP2 यूज करिए उसने तो SP2 फेज 1 में पूरा यूज होगा, फेज 2 में थोड़ा सा रह जाएगा, तो वैसा ही है एंड शी इज 15% मोर एग्रेसिव, तो ये हर फेज में 15% मोर एग्रेसिव भी हो जाएगी। तो जो फेज 1 है द हंट्स बिगिन द फैसिव नो एडिशनल इफेक्ट्स, तो कुछ भी नहीं है फेज 1 में। तो फेज 2 में तुम लोग देख सकते हो कि जब भी वो स्पेशल अटैक देगी तो उसके ऊपर एक नॉन स्ट्राइकिंग इनएक्सोरेबल पैसिव आ जाएगा 1 सेकंड के लिए एंड इसको कैसे हटाना है तुमको यहाँ पे स्पेशल अटैक देना पड़ेगा, तब ये जाके इनएक्सोरेबल जो इसके ऊपर पैसिव है वो हट जाएगा। ठीक है, एंड जैसे ही तुम हैवी अटैक यूज करोगे तुम्हारा स्पिरिट गॉज बढ़ जाएगा हर सेकंड, तो मान के चलो तुम्हारे स्ट्राइकर जो है वो जल्दी आएंगे गेम में। और फेज 3 में तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ओरोचिज इनएक्सोरेबल लास्ट फॉर 5 सेकंड। तो ठीक है, जो इसका ओरोचिज इनएक्सोरेबल है वो 5 सेकंड के लिए हो जाएगा। तुम लोग जैसे कि देख सकते हो फेज 2 में हमें खाली वो 1 सेकंड के लिए देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन फेज 3 में हमें वो 5 सेकंड के लिए देखने मिलेगा। और फेज 4 में जो है वो स्पेशल अटैक इसके पैसिवली अनब्लॉकेबल हो जाएंगे। फेज 5 में ये एक इंडिफिनिट फ्यूरी पैसिव गेन करेगी जो उसका अटैक रेटिंग बढ़ा देगी एंड जो अब हमारा फेज 6 है जिसकी मतलब जिसमें तुमको इसको 100% मारना ही है, तो अब वो कैसे होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ठीक है, जब ये फेज 6 में पहुंच जाएगी तब इस ये स्टार्ट होगा 1.5 बार ऑफ पावर के साथ, ये ना पावर गेन कर पाएगी आई थिंक सो, ना पावर ड्रेन होगा इसका। तो जब भी ये स्पेशल अटैक देगी तभी भी कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करेगी एंड ये स्पेशल अटैक ऐसे ही देने वाली है। मान के चलो कि अगर ओरोची ने यहाँ पे तुम्हें अपना स्पेशल अटैक दिया है एंड उस बीच में मतलब मान के चलो स्पेशल अटैक जैसे ही खत्म होता है तुमने फटाफट जाके उसको हिट कर दिए, तो 50% बार ऑफ पावर जो है उसका कम हो जाएगा, मतलब पावर ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, 50%। तो ट्राई करना है कि उसके स्पेशल अटैक के फटाफट जाके तुम उसको हिट मार दो ताकि जो उसका बार ऑफ पावर है वो कम हो जाए एंड जो ओरोची की हीलिंग फैक्टर है वो कम हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी, हीलिंग नहीं करेगी वो फेज 6 में, तो वो हीलिंग नहीं कर पाएगी, वो इनएक्सोरेबल बफ जो है वो गेन नहीं कर पाएगी। ये इनएक्सोरेबल बफ क्यों नहीं गेन कर पाएगी, मतलब खाली स्टार्टिंग के 2 फिनिशेस तक वो गेन नहीं कर पाएगी। मान के चलो फेज 6 में तुमने 2 बार SP खा लिए उसके, मतलब एक बार SP 1 दे दी, दूसरी बार भी SP 1 दे दी, तो स्टार्टिंग के 2 SP में इनएक्सोरेबल बफ जो है वो गेन नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद जब वो तीसरा SP यूज करेगी ना तब वो इनएक्सोरेबल बफ जो है वो गेन कर पाएगी। ठीक है, और जो देख सकते हो वॉयलेंट पर चार्ज भी है वो भी डिसेबल हो जाएगा एंड जैसे ही ये फाइट फिनिश होगी मतलब व्हेन ओरोची इज नॉक्ड आउट, मतलब नॉक्ड आउट मतलब फाइट खत्म होगी, तो ये फेज भी एंड हो जाएगा एंड उसके साथ साथ ये मर भी जाएगी। एंड अगर तुम्हें कुछ भी कंफ्यूजन है तो तुम लोग कमेंट करके जरूर पूछना। और अब चलते हैं इसकी एबिलिटीज देख लेते हैं, मतलब इसका गेम प्ले देख लेते हैं कि कैसा है। ठीक है, हम आ चुके हैं गेम प्ले पे एंड आई थिंक वॉरलॉक भी एक वन ऑफ द बेस्ट चैंपियन रहेगा इसके लिए, क्योंकि ये एक ब्लीड एंड पॉइजन इम्यून चैंपियन है। देखते हैं जिम लोग देख रहे हो कैसे वो रीजनरेट कर रही है एंड आई गेस भाई जो इसका SP 1 है वो इजी है एंड देख रहे हो पॉइजन पैसिव भी हो रहा है, उसको बस तुमको इंटरसेप्ट करना पड़ेगा या फिर तुम्हारे स्ट्राइकर को तुम्हें यूज़ करना पड़ेगा एंड देख रहे हो कैसे रीजनरेट हो रही है, तो बस तुम्हें इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर। एंड SP 2 ये खाली SPs है, यहाँ पे एबिलिटीज नहीं है, ये खाली SP शो कर रहा है, तो SP 2 भी इजी है एंड SP 1 भी इजी है डेक्स करना, मेरे को नहीं लगता कि कुछ इतना टफ होने वाला है 9.1। ठीक है, ये SP 3 पे पुश करा गया एंड SP 3
लोग देखेंगे। लेट्स गो। तो SP3 वगैरह था, SP3 तक हमें पुश करना ही नहीं है पहली बात तो उसको। भाई भाई SP3 एकदम मतलब ब्रूटल दिया भाई, एकदम ब्रूटल तरीके से फोड़ रही है खाली। ठीक है तो ये इजी होने वाली है आई गेस। बस तुम्हें खाली इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा कि तुम नॉन इंस्टेंट डैमेजिंग चैंपियंस को ना लेके जाके, कोई ऐसे चैंपियन लेके जाओ जो डायरेक्ट मतलब इंस्टेंट डैमेज नहीं देते हो। कोई भी ऐसे चैंपियन को नहीं लेके जाना जो इंस्टेंट डैमेज देता हो। तो आई गेस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।